हेलो दोस्तों, वेलकम टू शोर एंड प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, इंडिया टूर करने जा रही है आयरलैंड का। दो T20 है मैच है दोस्तों, दो T20 मैच है, दोनों भी डबलिन से लाइव होगा दोस्तों। पहला T20 मैच है दोस्तों 27 जून को, फिर दूसरा मैच है 29 जून को। आप देख सकते हो आयरलैंड वर्सेज इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, इंडिया में सुबह 8:30 बजे का मैच होगा दोस्तों, सॉरी 8:30 बजे का मैच होगा रात के, वहीं पर डबलिन में ये मैच 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अब स्क्वाड की बात करते हैं, इंडियन प्लेयर और स्क्वाड की बात करते हैं। आयरलैंड टूर के लिए किन प्लेयर को सिलेक्ट किया गया है इंडिया टीम में? तो विराट कोहली टीम में कैप्टन होंगे, शिखर धवन, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, सुरेश रैना, मनीष पांडे, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, युजेंद्र चहल, संदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, सिद्धार्थ कौल, उमेश यादव। आप सोच सकते हो दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ इतनी मजबूत टीम लेके जा रही है इंडिया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि आयरलैंड से सिर्फ मैच नहीं है दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड दौरा है इंडिया का, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए ये सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए इनको सबको स्क्वाड में लिया गया है, जो सारे के सारे प्लेयर टेस्ट में भी शामिल रहेंगे मोस्टली। वहीं पे आयरलैंड स्क्वाड की तरफ नज़र डाले, ग्रे विल्सन, एंड्रो बालबरियन, ग्रे विल्सन टीम के कैप्टन है, पीटर चेसी, जॉर्ज जॉकवेल, जोसु लिटल, एंडी मैकबेरियन, केविन ओब्रायन, विलियम पोर्टफील्ड, स्टुअर्ट पॉइंटर, बॉडी रैंकिन, जेम्स सोनन, सिमी सिंह, पॉल स्टर्लिंग, स्टुअर्ट थॉम्पसन। ये हो गए प्लेइंग 11 दोस्तों आयरलैंड के। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर प्रिडिक्शन करी जाए तो टीम की, तो यहाँ पर इंडिया वर्सेस आयरलैंड का जो प्रिडिक्शन है मैं करने वाला हूँ आपको। तो बता देता हूँ दोस्तों, मैंने स्क्वाड बता दिया, अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्लेयर आपके लिए सेफ होंगे और कौन से नहीं, क्योंकि इंडिया के 15 के 15 प्लेयर एक मैच में नहीं खेल सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, दो कीपर के ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे MS धोनी, डेफिनेटली आपको MS धोनी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि स्टुअर्ट पॉइंटर की बैटिंग इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में मैं स्टुअर्ट पॉइंटर को सिलेक्ट करूंगा, जहां पर MS धोनी की बैटिंग अगर नीचे की तरफ आते हो 5 या 4 नंबर पे, तो डेफिनेटली इंडिया 1 या 2 विकेट पे मैच विन करता है। अगर पहली सेकेंड बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में MS धोनी को चांस नहीं मिलता, स्टुअर्ट पॉइंटर को चांस मिल सकता है, शायद थोड़ा पॉइंट भी दे दे। तो दो तरह से आप ले सकते हो दोस्तों। वहीं पर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, तो ओपनिंग मैच है, पहली मैच है, तो विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, सुरेश रैना, ये पांचों के पांचों में से दोस्तों अगर बात की जाए जो टीम में कंटिन्यू खेलने वाले हैं। विराट कोहली सेफ ऑप्शन है, धवन सेफ खेलेंगे, वहीं पर मिडल ऑर्डर में रहना होंगे। लोकेश राहुल की जैसी फॉर्म है उस बेस पर लोकेश राहुल ओपन करेंगे टीम के साथ, तो यहाँ पर काफ़ी टफ है दोस्तों टीम सिलेक्शन का। तो अगर रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती है टीम में दोस्तों, अगर बात की जाए परफॉर्मेंस बेसिस की, क्योंकि IPL में परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था, तो ये 4 बैट्समैन को मैं नॉमिनेट करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब मिडल ऑर्डर में ही अगर ये सारे प्लेयर खेलेंगे, तो न्यू कमर जैसे हो गए मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, इनको कहाँ से चांस मिलेगा? एक पॉइंट ये आता है दोस्तों, तो ये दोनों भी पहले मैच में रिस्की हो सकते हैं, या छोटी टीम के खिलाफ इनको ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा 6 बैट्समैन के साथ जाना पसंद करेगा। वहीं पर आयरलैंड का एकदम क्लियर है दोस्तों, ये सारे बैट्समैन खेलेंगे, गैरी विल्सन, एंडी बालबरियन, जेम्स सोनन, तो ये सारे के सारे बैट्समैन खेलेंगे, इनके पास ऑप्शन नहीं है। बालबरियन खेलेंगे, विल्सन खेलेंगे, पोर्टफील्ड खेलेंगे, सोनन थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, उनको आप रेस्ट दे सकते हो टीम में, तो ये सारे प्लेयर हो गए। वहीं पर ऑलराउंडर में आप जैसी नज़र डालते हो, हार्दिक पांड्या इंडिया की तरफ से और वाशिंगटन सुंदर, ये दो प्लेयर को लिया गया दोस्तों, जिसमें से पांड्या डेफिनेटली खेलेंगे। लेकिन बैंगलोर बैकअप की बात की जाए दोस्तों, बैंगलोर के लिए खेल रहे थे सुंदर, तो उस बेस पे सुंदर को खिलाया जा सकता है, मुझे नहीं लगता सुरेंद्र सुंदर को उस बेस पे खिलाया जाएगा, पांडे को डेफिनेटली खिलाएंगे, क्योंकि फास्ट पीछे से जो इंग्लैंड में और आयरलैंड में, तो उसका काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। वहीं पर ऑलराउंडर की तरफ नज़र डाले दोस्तों, एंडी मैकबेरियन, केविन ओब्रायन, सिमी सिंह, पॉल स्टर्लिंग, तो वन टाइम पे तीन को दिखा सकते हैं। केविन ओब्रायन मुझे थोड़ा रिस्की लगते हैं, मैकबरियन एक टाइम बेटर ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट जो सीरीज़ देखा था हमने नीदरलैंड के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ, उसमें आयरलैंड का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। केविन ओब्रायन, सिमी सिंह जबरदस्त फॉर्म में थे दोस्तों, गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भी, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। मैकबरियन थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, इनको आप रेस्ट दे सकते हो इन दोनों प्लेयर को टीम में। वहीं पर पॉल स्टर्लिंग डेफिनेटली खेलेंगे, जो ओपन करेंगे आयरलैंड की तरफ से बैटिंग में, तो डेफिनेटली खेलेंगे, तो इनको गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं गया लास्ट सीरीज़ में, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाते हैं, इनको ऑलराउंडर में क्यों रखा है वो रीज़न समझ में नहीं आता डीम इलेवन उनका। वहीं पर इंडिया की बॉलिंग लाइन में युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, सिद्धार्थ कौल, दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप भी पूरी तरह से भर लिया गया है।
अब टीम में दोस्तों मुश्किल है बोलना किसको खिलाएंगे किसको बिठाएंगे। युजवेंद्र चहल डेफिनेटली खेलेंगे और जैसे कि फॉर्म में थे भुवनेश्वर कुमार डेफिनेटली खेलेंगे क्योंकि भुवनेश्वर कुमार एक ज़बरदस्त गेंदबाज है, 6 की 6 यॉर्कर मारते तो उस बेस पर उनको खिलाया जा सकता है। वहीं पर इन तीनों में से कोई 2 खेल सकते हैं दोस्तों या 1 खेलेगा बोल नहीं सकते क्योंकि काफ़ी रिस्की हो सकता है दोस्तों बोलना, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर्स की बात हो रही दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो उमेश यादव, सिद्धार्थ कौल, इन चारों में से कोई 2 खेलेंगे दोस्तों, इन चारों में से कोई 2 खेलेंगे क्योंकि इंडिया की टीम है दोस्तों जो IPL में सारे स्टार प्लेयर थे परफॉर्म कर रहे थे उन सबको सिलेक्शन किया गया है। तो मुश्किल है थोड़ा इनकी बॉलिंग लाइनअप बताना, उसमें से 2 ऑप्शन आप ले सकते हो, सिद्धार्थ कौल को बिठा सकते हो आप, यहाँ पे ऑप्शन में 2 सेलेक्ट कर सकते हो, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए। पीटर चेसी, जॉर्ड डेकवेल, जोसू ताओ, बॉडी रैंकिन, स्टोर थॉम्सन, ये 5 गेंदबाज होंगे दोस्तों आयरलैंड की तरफ से जिनमें से खेलने वाले डेफिनेटली बॉडी रैंकिन, डॉकवेल खेलेंगे, पीटर चेसी खेलेंगे तो लिटिल नहीं खेल सकते पहला मैच, और थॉम्सन भी बैठ सकते हैं पहले मैच में दोस्तों जो थोड़ा रिस्की हो सकते हैं स्मॉल लीग के लिए। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए दोस्तों तो मैं डेफिनेटली बैक करूंगा चहल को क्योंकि स्पिनर खेल नहीं पाती आयरलैंड, तो उस बेस पे अगर ये विकेट लेते काफ़ी सारा विकेट निकाल सकते तो इन पर आप भरोसा कर सकते हो। वहीं पर फास्ट के साथ अगर जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर परफेक्ट गिरने लगती है दोस्तों तो वो भी काफ़ी सारा विकेट निकाल सकते हो। जैसा कि सीरीज में देखा गया उमेश यादव, सिद्धार्थ कौल IPL में काफ़ी सारा विकेट निकाल रहे थे, अगर ये दोनों खेलते तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। वहीं पर आप रख सकते हो दोस्तों सिमी सिंह को और पॉल स्टर्लिंग को कैप्टन, हार्दिक पांड्या को रख सकते हो। बैटिंग लाइनअप से मैं डेफिनेटली ओपनर्स को बैक करूंगा, लोकेश राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, यहाँ पर एक प्लेयर एक टीम से 7 प्लेयर ही सेलेक्ट कर सकते हो। तो उस बेस पे दोस्तों यहाँ पर 2 प्लेयर को मैं बाहर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप डेफिनेटली इस प्लेयर को मिस नहीं कर सकते, विराट कोहली को दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है। वहीं पर थोड़ा अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो एंडी बेलबेरियन काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो सकते हैं। जिसमें अगर फर्स्ट चॉइस की बात की जाए लोकेश राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सिमी सिंह, पॉल स्टर्लिंग और एंडी बेलबेरियन, और गेंदबाजी की तरफ से मैं डेफिनेटली रखना चाहूँगा युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह को कैप्टन वाइस कैप्टन जो परफॉर्म करके देंगे दोस्तों। तो मैंने सारी बातें बता दी दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई प्रीव्यू नहीं दिखाऊंगा आपको, एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, आप रेशू रख सकते हो दोस्तों 7:4 का क्योंकि इंडिया फेवरेट है डेफिनेटली मैच जीतेगा दोस्तों। तो 7 प्लेयर इंडियन रखिए आप जो आपको लगता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली करके देंगे, या अगर आपको लगता है सामने वाली टीम में से कोई एक अच्छा प्लेयर आपको मिल रहा है तो 6:5 का रखना दोस्तों, बस उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो आप, तो जो आपको मैच विन करने में हेल्प करेगा। और मोस्ट ट्राई करो आप ऊपर के बैट्समैन रखो आप टीम में दोस्तों, और वो प्लेयर को रखो जो डेफिनेटली खेलने वाले टीम में क्योंकि थोड़ा रिस्की है इंडियन स्क्वाड को, आप बताना दोस्तों कौन नहीं खेलेगा कौन खेलेगा। लोकेश राहुल को मैं इस बेस पे टीम में रख रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे तो मे बी उनको चांस मिल सकता है क्योंकि प्रेफरेंस की अगर बात करें रोहित शर्मा के ऊपर इनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है लोकेश राहुल को, तो उस बेस पे इनको खिलाया जा सकता है। और जैसे कि टेस्ट मैचेस में ये ओपन भी करते हैं तो इनको ज़्यादा चांस मिलेगा बाहर देश में खेलने के लिए, तो इंग्लैंड का दौरा का प्रिपरेशन भी हो जाएगा इनका, तो उस बेस पे इनको पहला फर्स्ट प्रेफरेंस मैं देना चाहूँगा। तो ये टीम बन गई दोस्तों, आप समझ गए पूरी तरह से आपको कौन से प्लेयर को लेना है, मैंने यहाँ पे ट्रिक दे दिया आपको। जो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आपको टीम प्रीव्यू भी दूंगा, और जिन लोगों ने आप मैंने सारी बातें बता दी डिटेल में, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले दोस्तों, अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते तो आपको हमारी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।